नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी का किताब के बारे में बहुत सारे लड़का मेरे को कमेंट कर रहे हैं। सर कौन सा किताब खरीदे? देखो एक रियल बात बता रहा हूँ, तो पूरा बात को ध्यान से सुनोगे तभी पता चलेगा बात क्या है। जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, जब हिस्ट्री का एग्जाम देने जाते हैं तो हिस्ट्री का किताब पढ़ते हैं, तो वैसे ही है पुलिस का भी हर विभाग का अलग अलग किताब आता है हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कलकत्ता पुलिस जिसको बोलते हैं केपी, तो केपी के लिए किताब अलग आता है। तो सीधा जाके बोलोगे कि कलकत्ता पुलिस का किताब चाहिए, वो दे देगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अगर आप किताब मांगोगे तो दुकान में जाके बोलोगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का किताब चाहिए, वो दे देगा। अगर कोई डब्ल्यूबीपी का एग्ज़ाम दे रहा है तो डब्ल्यूबी के लिए वो अलग से किताब मांगेगा, दुकान में डब्ल्यूबी का बोलेगा कि किताब चाहिए, वो दे देगा। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फोर्स है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, तो यही बात है। कोई बोलेगा मैं आर्मी का एग्ज़ाम दूंगा तो आर्मी के लिए भी आर्मी का किताब मिलता है, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स का मिलता है। मेन बात है हथियार किताब। अगर किताब खरीद के नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई दलाल पे आपको नहीं पास करवा सकता है, कोई भी आपको क्वेश्चन सजेशन दे के पास नहीं करवा सकता। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा वो किताब से आएगा, पूरा किताब पढ़ो उस किताब के अंदर से आएगा और पास भी करोगे अच्छा नंबर मिल के। तो यही है दोस्त, दुकान में जाइए और जिस फॉर्म छोड़े हैं, जो भी फॉर्म छोड़े उस का नाम से आप बोलोगे कि मेरे को एसएससी का किताब चाहिए, डब्ल्यूपी का या केपी का। तो यही बात है दोस्तों। तो अगर बात समझ में आया, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए लाल बटन प्रेस करके नीचे वाला, और इंस्टाग्राम में मैसेज करिए बात करने के लिए, और वीडियो दोस्त को शेयर जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद।